नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इलेक्ट्रिक। करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने केवल चार्ज को किस में रखा है, रेस्ट में रखा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम जो चार्ज है वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो जो ये पार्ट है हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ने से पहले देखिए सिंपल से हम चार्ज इन मोशन की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक हमारे पास कंडक्टर स्पेयर है जो कैसे चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, और दूसरा ये जो इस पे रखे हुए हैं, ये दोनों किस पे रखे हुए हैं, इंसुलेटर स्टैंड पर, किस पर रखे हुए हैं, इंसुलेटर आ रही है ना। चलो ये दोनों जो हैं किस पे रखे हुए हैं, इंसुलेटर स्टैंड पे। अब ये जो है, ये जो वाला स्पेयर है ये कैसे चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये जो दूसरा वाला स्पेयर है ये कैसे चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, हायर हायर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और ये जो है ये क्या हो जाएगा, लोअर लो पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल स्पेयर। ठीक है, ये इधर वाला जो है वो हायर पोटेंशियल और ये जो है वो लोअर पोटेंशियल स्पेयर है। क्या होगा कि जो है चार्ज जो है क्या होना चाहिए, कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज क्या होना चाहिए, एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है एयर है, एयर है, और एयर क्या है, एक इंसुलेटर है। तो इसलिए जो है चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या होती है, कंडक्टिंग पाथ की जरूरत होती है। अब वो कंडक्टिंग पाथ हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, कि इन दोनों स्पेयर्स को हम जो है किससे कनेक्टेड कर देते हैं, मेटल वायर से। मैंने किससे कनेक्टेड किया इसको, मेटल वायर से। जैसे ही मैं मेटल वायर से कनेक्टेड करूंगा तो वैसे ही देखूंगा कि जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा है, लो पोटेंशियल के अंदर, और इसके अंदर कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से कहां फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वो किधर होगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप में क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां फ्लो होंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पर ये कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम नहीं हो जाए। मतलब दोनों पे जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। जैसे ही दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, वैसे ही क्या होगा, ये जो चार्ज है ये फ्लो होना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो करंट है या पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो होगी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और करंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी, हायर पोटेंशियल टू, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये किस में होता है, चार्ज जब मूव कब करता है, जब दोनों उस पाथ के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले ही बताया था, एक तरह से ये क्या है, स्टेट ऑफ कंडक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ
चार्ज की, चार्ज जो है ये क्या बताता है, विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, की ये बताता है कि किधर से किधर चार्ज फ्लो होगा। और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर जो है कौन सा चार्ज फ्लो होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां फ्लो होंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होता रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप व्हेन द बोथ कंडक्टर एंड बी एक्वायर सेम पोटेंशियल, कि दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे सेम होगा वैसे ही ये चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहां से हम सबसे पहले जो डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक तरह से क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ द रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो रेट का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो क्या होता है, चेंज इन नेट फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो I इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमने जब करंट को डिफाइन किया था उस टाइम पे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को क्या किया था, इन्वेंट नहीं किया था। तो उस टाइम पे हमने मान लिया कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर से हायर। लेकिन बाद में जब हमने इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब हमने डिस्कवर किया, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमें पता लगा कि कंडक्टर्स के अंदर जो फ्लो होते हैं वो ओनली क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो या तो हम पूरी जितनी भी हमने डायरेक्शन जो डिफाइन की है करंट की, तो उसको जो है करंट की जो हमने डायरेक्शन कन्वेंशनली जो हमने डायरेक्शन मानी है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, कि ये कन्वेंशनली हमने मान लिया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे मान लो ये एक बल्ब है और ये इसमें दो बैटरी के दो टर्मिनल से पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो मेटल वायर है, करंट जो डायरेक्शन माननी है हमें करंट करंट की, वो कहां से कहां माननी है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और एक्चुअली में जो सर्किट के अंदर जो फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और वो हमेशा किधर से किधर फ्लो होंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां फ्लो होंगे, तो कन्वेंशनली हमने डायरेक्शन मान ली बैटरी सेल्स की पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, और जो चार्ज फ्लो होता है वो हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये हमने कन्वेंशनली मान लिया कि किसी भी जो सर्किट होगा उसके अंदर जो करंट है वो हमेशा किधर से किधर मानी जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन के बाद अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो यहां पर इसकी यूनिट हम देख सकते हैं SI यूनिट। तो देखिए यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, और इसकी हो जाएगी सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम यहां पर जो है, एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे हम इसकी यूनिट रख देते हैं एम्पियर, इसे डिनोट करते हैं एम्पियर से। और इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर विद द कौन से इंस्ट्रूमेंट से, अमीटर से। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, तो इसको जो है हम किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम इसमें चार्ज जो है उसके अंदर यूज करते हैं कुछ सफिक्सेस, वैसे इसके अंदर भी कर सकते हैं, मिली एम्पियर, इसको हम बोल देंगे एम ए, जो सिंबल है वो होता है 10^-3 एम्पियर। ऐसे ही माइक्रो एम्पियर, इसका जो सिंबल होता है वो होता है 1 μA, यू नहीं है ये म्यू है, तो इसका मतलब होगा 10^-6।
नैनो एम्पियर, ये कुछ सफिक्सेज हैं जो किसी भी क्वांटिटी के हम आगे लगा सकते हैं। तो 10^-एम्पियर, ठीक है। कुछ इस यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स है इसके अंदर। आप इसमें भी सिमिलरली हम क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइन जैसे 1 वोल्ट डिफाइन किया था वैसे ही 1 एम्पियर को भी हम डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पियर की। तो देखिए 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, तो करंट कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इज सेट टू बी 1 एम्पियर। उसे हम क्या बोल देंगे, 1 एम्पियर, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। उसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जो है कि तो इसमें हमने बता दिया कि सबसे पहले करंट की डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी द रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, की डायरेक्शन जो करंट है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो किसकी वजह से होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो या तो हम सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर डायरेक्शन चेंज करें, या फिर हम कन्वेंशनली मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसकी एसआई यूनिट जो है कूलम पर सेकेंड, और इस कूलम पर सेकेंड को हम डिनोट करते हैं एम्पियर से, जिसे ए। इसको मेजर करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर, और इसकी अदर यूनिट से मिली एम्पियर, एम ए का मतलब होता है 10^-3, माइक्रो एम्पियर, म्यू ए 10^-6, नैनो, तो अदर स्मॉलर यूनिट से 10^-9 एम्पियर। अब हमें ये जो क्वेश्चन है, जैसे यह तो डिफाइन 1 वोल्ट, ये डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन हमसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। तो अगर हमें कभी भी डिफाइन 1 एम्पियर करना हो, तो किसी भी जो कंडक्टर वायर है उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करें इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो है वो जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे। अब यहां पर देखिए कि एक फॉर्मूला तो हमने बता दिया कि क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या क्यू बाई टी। अब हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ये कहां पे पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर, कि चार्ज होता है इज ऑलवेज क्वांटाइज। तो यहां पर हम करंट का एक और फॉर्मूला पूछ सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन टी, की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन ई अपॉन, यहां से डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई, तो एन इंटू ई अपॉन टी। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एन ई अपॉन टी। अब देखिए किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होते हैं, तो देखिए इसको जो है हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि एक ही हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट क्यों फ्लो होती है। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के पास क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, तो जब व्हेन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, बैटरी सेल, जब तक हम इससे बैटरी सेल कनेक्टेड नहीं करते, इसका मतलब इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट
नहीं हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर के पास क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इससे कोई भी हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी सेल कनेक्टेड नहीं किया है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कि जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है इसके अंदर की तरफ, इन ऑल डायरेक्शन। तो सारी जो डायरेक्शन है उसके अंदर क्या करते रहते हैं, ये रैंडम मूव करते हैं व्हेन द सोर्स ऑफ द लाइट, व्हेन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कनेक्टेड अक्रॉस इट, कि जब हमने इसके अक्रॉस कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं किया है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। आफ्टर दैट वी कनेक्टेड दैट, कि ये जो मेटल वायर है इसको मैंने जूम करके बनाया थोड़ा सा, मेटल वायर तो बिल्कुल पतला सा होता है, इसको जूम करके समझाने के लिए, इससे मैंने क्या किया, कोई भी सोर्स या बैटरी कनेक्टेड की, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इट इज द सेल, ये सेल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेल इससे कनेक्टेड करेंगे, तो ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन, अब इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसकी वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर से किधर होगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम मूव कर रहे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए, एक लाइन में अलाइंड हो गए, और एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करने लगे, आगे की तरफ ड्रिफ्ट करने लगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस तरह से, अब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन इन वन डायरेक्शन, कि सारे के सारे जो एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए और मूव विद ड्रिफ्ट, कि ये जो है सारे के सारे कैसे मूव करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे, मतलब स्लाइड करने लगे इसके ऊपर, और मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इससे हमने सोर्स से बैटरी, तो सारे के सारे एक लाइन के अंदर अलाइंड हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये मिली मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर की होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये बहुत कम होती है, मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है बहुत स्लोली आगे की तरफ मूव करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से इस पे आगे की तरफ ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये बताया कि हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, कि किसी भी वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है, तो जब उसमें हम सोर्स कनेक्टेड नहीं करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते होते हैं, जब सोर्स या बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होने लगेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे एक लाइन के अंदर अलाइंड होने के बाद। इसीलिए सारे के सारे क्या होते हैं, एक लाइन से एक से इस तरह से होते हैं कि जैसे सोल्जर मार्च पास्टिंग करते हैं, जैसे सारे के सारे सोल्जर्स, ये सारे के सारे इस लेयर के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस वाली लेयर के आगे, तो ड्रिफ्ट करते हैं, इसीलिए इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो किस ऑर्डर की होती है, मिलीमीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट पता करना हो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या कंडीशंस होती है, तो पहली कंडीशन तो क्या होती है, कि पहली कंडीशन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, तभी उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि इस ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो ये करंट तभी फ्लो होगा जब यहां पर ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। सेकेंड, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, कि सर्किट जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज्ड होना चाहिए। मस्ट बी क्लोज्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे घर पे वायर जाते हैं, तो अगर हम बीच में से उनको वायर को बीच में से कट कर देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो सर्किट क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज्ड। तो ये जो बैटरी है सेल कनेक्टेड करते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, वो किस वजह से करते हैं कि करंट ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है। तो यहां पर देखिए, हमने जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ चीजें बताई कि एक तो हमने इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट जो है एम्पियर होती है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो बैटरी या सोर्स है वो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, इसकी वजह से ही करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब इसके हम जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है सिंपल, अगर हमें कभी भी चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो कुछ भी 50 कूलम, कि किसी भी, इफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 50 एम्पियर इन 2 मिनट, कि 2 मिनट के अंदर जो है 50 एम्पियर चार्ज फ्लो हो रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि अगर हमें करंट फाइंड करना हो तो सिंपल सा हम कर सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हो गया 50। अब इसके अंदर ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमें टाइम जो है वो सेकंड के अलावा किसी और यूनिट के अंदर दिया हुआ हो, तो सेकंड के अलावा हमें किसी और यूनिट में दिया हुआ हो तो हमेशा हम उसको जो है हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट में, तो 2 × 60 तो ये आएगा 120 सेकेंड, तो ये 120 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5/12 एम्पियर, ठीक है। ये तो पहला तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड देखिए, इफ 62.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लोइंग पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जीरो पॉइंट वन मीटर स्क्वायर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पर हमें दिया हुआ है कि 62.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड, आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कभी भी अगर इस तरह से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं 62.5 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, और टाइम कितना दिया हुआ हमें 1 सेकेंड, और हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये हमने बताया था कि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन इन टू ई, तो इसको लिख सकते हैं 62.5 × 10^18 × 1.6 × 10^-19 अपॉन 1। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग
थ्रू अ मेटेलिक वायर थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर वायर फाइंड द चार्ज चार्ज फ्लोइंग थ्रू वन मिनट, कि एक मिनट में इसमें कितना फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन वन मिनट, कि इसमें एक मिनट के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा। तो जब भी इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाए तो सिंपल सा हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि करंट दिया हुआ है हमें 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है हमें 1 मिनट और चार्ज हमसे पूछा है। तो क्यू इज टू आई इंटू टी, तो आई कितना है 5 और टी कितना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 300 कूलम। इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 मिनट, कि एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो सिंपल सा हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई, तो यहाँ से एन कितना हो जाएगा क्यू बाई ई, तो 300 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे 10 की पावर 20, तो ये 4 और 7 75, तो 75 बाई 4, तो 750 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 19, तो ये 1 35 32 8 तो 187.5 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे फ्लो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IGSO में भी पूछा गया है और NTSC के अंदर भी एक दो बार पूछा हुआ है कि जब किसी भी अगर दोनों तरह के चार्जेस, जैसे वैसे मेटल वायर की बात करते हैं तो उसमें तो केवल एक ही स्पेसिफाइड तरह के जो चार्जेस है वो फ्लो होते हैं। अगर दोनों तरह के चार्जेस फ्लो होंगे, उससे पहले एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि एक और न्यूमेरिकल है इन हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, द इलेक्ट्रॉन मैक्स × 10^15 रिवॉल्यूशन मैक्स 16.6 × 10^15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 × 10^-10 meter फाइंड द इक्विवेलेंट करंट इक्विवेलेंट टू अ करंट नियरली कितनी करंट इसमें फ्लो होगी उस टाइम के अंदर। तो देखिए, जब भी इस तरह से अगर हमें कभी भी फ्रीक्वेंसी दी जाए तो वो पहली चीज तो I इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं क्यू बाई टी, और कि अगर ये जिसे इस तरह से हम बात करते कि कोई भी एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर मैं इस वाले टाइम से बात करूं कि एक सेकंड के अंदर इस यहां पर मैं कोई भी एक पर्सन को बिठा देता हूं और मैं पूछता हूं कि इस हाइड्रोजन के एटम से एक सेकंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार यहां से निकलेगा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, 6.65 × 10^15 टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से एक सेकंड के अंदर क्या करेगा, पास कर देगा। कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जो है 6.65 × 10^15 रिवॉल्यूशन फ्लो बन रिवॉल्व कर रहा है इन वन सेकंड, तो इसका मतलब यहां से ये जो चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा एक सेकंड के अंदर, वो हो जाएगा 6.65 × 10^18। इसको चाहे तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ बोल सकता हूं, तो एफ ई टाइम्स जो है यहां से ये क्या हो जाएगा एक सेकंड के अंदर फ्लो हो जाएगा। तो अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं, फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ मान लेता हूं, तो जो करंट है वो यहां से एक सेकंड के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, एफ इंटू ई अपॉन वन। तो सिंपल यहां पर करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ई इंटू एफ, ई इज द चार्ज ऑफ फ्लो और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर दोनों 1.6 × 10^-19 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 6.67 × 10^15 टाइम्स, ये यहां से क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं कि सीधे अगर हमें कभी भी चार्ज दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दी हो सीधे हम क्या यूज करते हैं कि क्यू इंटू एफ, ठीक है, क्यू इंटू एफ कि चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम इसको यहां पर इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आएगा 10.56 × 10^-4, तो 1.056 × 10^-3, तो 1.056 mA। तो यहां पर अगर हमें कभी भी फ्रीक्वेंसी दी हो तो सीधे हम उसको चार्ज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भी सीधे करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तीन बार एक बार तो एनटीसी स्टेज टू के अंदर पूछा हुआ है और एक बार जो है आईजीएसओ स्टेज वन के अंदर भी ये पूछा हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें डील करना है कि इन नियोन डिस्चार्ज, कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है कि हमें जब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें केवल एक ही तरह का चार्ज था, वो था ये तो इलेक्ट्रॉन सीधे मतलब मेटल वायर ही थे, लेकिन अगर किसी भी चीज के अंदर जैसे नियोन डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और नियोन चार्ज दोनों फ्लो करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए देखिए, इन द नियोन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 × 10^18 Ne प्लस आयंस मूव्स टू द राइट ईच सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन सॉरी वाइल इलेक्ट्रॉन 1.2 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द लेफ्ट मोस्ट टू द लेफ्ट पर सेकेंड मोस्ट टू द लेफ्ट पर सेकेंड एंड पर सेकेंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द डिस्चार्ज फाइंड द करंट इन द डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है, 1.6 × 10^-19 कूलम उसके ऊपर क्या है चार्ज है। तो देखिए जब भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर दोनों तरह के चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे कभी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमने क्लास 10th के अंदर पढ़े होंगे कि उसमें जैसे NaCl, ठीक है,
जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को फिल करते हैं। तो उसमें भी दोनों तरह के चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे अगर मैं इस नियॉन ट्यूब की बात करूं, तो इस नियॉन ट्यूब के ऊपर कि मान लेता हूं मैं कि क्यू प्लस चार्ज जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर, एन प्लस, और नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं किसी टी सेकंड के अंदर। तो अगर मुझसे नेट करंट पूछा जाए तो यहां पर करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी हो रही है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी हो रही है। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी, एन प्लस क्यू प्लस प्लस एन माइनस क्यू माइनस अपॉन टी। अब यहां पर जो करंट है इधर, इसकी वजह से तो इधर जा रही है और इसकी वजह से तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एन प्लस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, क्यू प्लस का मतलब कि जितना भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एनी प्लस है तो ई चार्ज है, एम जी प्लस टू है तो उसके ऊपर यहां पर क्यू प्लस की जगह क्या लिख देंगे हम, टू ई, एल प्लस थ्री तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अगर उसमें दोनों तरह के चार्जेस फ्लो होंगे तो किसी भी, तो उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो दोनों की वजह से जो है अलग अलग करंट फ्लो होगी और दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। वो ऐड इसलिए करते हैं कि दोनों की नेगेटिव चार्ज को लोगे और डायरेक्शन अपोजिट है तो वो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों की वजह से जो करंट है फ्लो होती है, तो नेट करंट की अगर हमने हमने डायरेक्शन की करंट की डेफिनेशन जो लिखी थी हमने क्या लिखा था, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब दोनों तरह के फ्लो चार्ज फ्लो होंगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, एन प्लस क्यू प्लस एन माइनस क्यू माइनस अपॉन टी। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान भी रखना है। तो चार्ज, तो यहां पर अगर हम इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर देखें तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2.9, 2.9 इंटू 10 की पावर 18। Ne+1 का मतलब क्या हो गया कि इस न्यूऑन से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है, रिमूव किया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, E के इक्वल है ना, और E के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब जैसे कभी हो सकता है कि यहां पर हमने लिख दिया Mg+2, तो Mg+2 के ऊपर यहां पर कितना चार्ज हो जाएगा, जैसे अगर कभी पूछा जाए कि Mg+2 के ऊपर कितना चार्ज है तो वो है 2e, e कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहां पर तो Ne प्लस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही, N-1 कितना है, 1.2 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और ई तो जो है नेगेटिव जो चार्ज है क्यू माइनस वो क्या है हमारे पास, ई है, ये हमारे पास क्यू प्लस चार्ज है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए आई इज इक्वल टू 2.9 × 10 की पावर 18 क्यू प्लस, क्यू प्लस मतलब एन ई प्लस, उसके ऊपर चार्ज 1. प्लस क्यू माइनस कितना, 1.2 × 10 की पावर 18 और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 1। इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम जो हैं ये ड्रॉ ना करके इनके अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सिंबल है सेल, सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। दूसरा बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसके अंदर इसके सिंबल में क्या हम क्या कर देते हैं, विद द सिंबल्स। तो एक से ज्यादा हम दो तीन पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड जो है यहां पर कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स के लिए हम सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, वायर जॉइंट,
फिफ्थ वायर ज्वाइंट बट नॉट इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट कॉन्टेक्ट के अगर हमें जैसे ये इस तरह से लाइन है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसको इस तरह से हम जैसे ये एक के ऊपर एक वायर है, एक तो ये इस तरह से कॉन्टेक्ट में और एक ये एक दूसरे से दूर है, तो इसको यहाँ पे शो करना हो, जैसे एक वायर तो ये है तो इसको शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसका इस सिंबल का मतलब है जैसे ये दोनों के बीच में तो ये डॉट लगा हुआ, इसका मतलब दोनों वायर कॉन्टेक्ट में, यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड रजिस्टर या फिक्स रजिस्टेंस, फिक्स रजिस्टेंस या रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी तो ये ध्यान रख लो कि फिक्स रजिस्टर्स के लिए इस तरह से होता है, वेरिएबल के लिए रजिस्टर्स जो होते हैं उसमें हम इस तरह से ये और ये, ठीक है, इसे हम रियल स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रियो स्टेट। एट्थ है अमीटर, अमीटर मैंने बताया था क्या, अमीटर जो है वो क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, जो इसका सिंबल होता है वो होता है ए, इसका जो आइडियल अमीटर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। दूसरा होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, 10th होगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो होता है इट इज ओनली डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ, ये मेजर नहीं करता, ओनली क्या करता है, डिटेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक और सिंबल हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो बल्ब का डायग्राम ड्रॉ ना करके ये जल नहीं रहा बल्ब, नॉट ग्लो, और अगर ग्लो कर रहा हो तो इस बल्ब को हम इस तरह से, ठीक है, ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। 12th है ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, तो ये हमारे पास क्लोज्ड स्विच है, ये इसकी जगह कभी हम इस तरह का भी यूज कर लेते हैं, इनको हम की बोलते हैं, कि ये ओपन की है, यहां पर अगर बीच में डॉट लगा देते हैं तो ये क्लोज्ड की, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स है जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज करते हैं। अब कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक तरह से क्या हो गया, कंटिन्यूस पाथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इस तरह के जो ये जो सारे सिंबल्स हैं हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि एक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक सर्किट अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो देखिए, एक तो उसके अंदर बैटरी होगी, एक उसके अंदर बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट कनेक्टेड होगा, ठीक है, दूसरा इसमें क्या होगा, एक स्विच कनेक्टेड होगा, तीसरा इसमें एक अमीटर कनेक्टेड होगा, एक वोल्टमीटर कनेक्टेड होगा, ठीक है, इस तरह से हम उसमें बहुत सारी चीजें, अमीटर वोल्टमीटर इस तरह से हम उसमें कनेक्टेड कर सकते हैं, और ये जो है इसमें क्या है, ये कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम इससे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये जो सर्किट होते हैं दो तरह के होते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है कि जिस जब इसके अंदर की किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसे हम जो है उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें ये क्लोज्ड है, ठीक है। और क्लोज के अंदर क्या होता है कि उसमें जो कंटिन्यूअसली करंट जो है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो उस तरह के जो बल्ब, उस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ये इसमें ग्लो कर रहा है, इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सर्किट जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब इसमें जो की जो है वो क्या होती है, ओपन होती है। ये स्विच या की जो है ये इसमें क्या होती है, ओपन होती है। तो इस तरह के जो सर्किट से इनको हम क्या बोलते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर ये की क्लोज होती है, इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होती रहती है, तो इस तरह के जो सर्किट से इनको हम क्या बोलते हैं, और करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो, कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो इस तरह के जो सर्किट से इनको ओपन, और ये इसमें करंट फ्लो होती रहती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, जब तक ये सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। तो इस तरह के सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर ये हमने सिंबल्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इस तरह से एक इक्विपमेंट होता है जो भी हम कुछ भी कनेक्टेड कर सकते हैं, फैन या बल्ब, ये की या स्विच या बैटरी या सेल या मीटर, ठीक है। और ये एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्टेड किया है। और दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहे तो क्लोज सर्किट, और करंट फ्लो नहीं हो तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट।